अच्छा किनको पता है कि माँ पार्वती जी कितने भाई बहन थे? शिवपुराण में सुनते रहते माँ पार्वती जी की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम है माँ गंगा। और माँ गंगा जी ना भगवान शिव से भी बहुत प्रेम करते थे। वो भी दिन रात सोचते रहते थे कि शिव जी पति के रूप में मिल जाए 24 घंटे। लेकिन माँ गंगा बड़ी सीधी थी, बड़ी सीधी मौन रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी। कभी कभी देखना किसी के यहाँ दो बेटियां होती है ना, एक बड़ी चतुर होती है, एक बड़ी सीधी रहती है। आप देखेंगे आपने भी अनुभव किया होगा अपने परिवार में अपने आसपास, दो बेटियां है ना तो एक बड़ी सीधी होगी और एक थोड़ी सी चतुर होगी। चतुर थी मेरी मैया पार्वती, गंगा बड़ी बोली भाली बड़ी सीधी। एक बार पार्वती जी थोड़ी सी आवाज में बात कर देते मैया चुप हो जाती थी गंगा जी। एक दिन मन में भाव आया कि काश भगवान शिव जी हमें पति के रूप में मिले। जब माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव से नहीं हुआ था तब की बात बताऊं मैं आपको। गंगा जी ने निश्चय किया कि मैं शिव जी का तप करूंगी और शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करूंगी। ये बात जब माँ पार्वती के कानों तक पता चली तो माँ पार्वती ने विचार किया, पति तो मैं मान चुकी हूँ, मेरी बहन भी चाहती है लेकिन वो पति मेरे हो, मेरी बहन को ना मिले। और एक लीला रची गई। एक दिन क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ हिमवान के घर में। दुर्वासा ऋषि तो जब दुर्वासा ऋषि आने वाले थे तो दोनों बहनों को पता चला, हिमवान को भी पता चला, उनकी पत्नी को भी पता चला, पार्वती गंगा को भी पता चला। अब घर में सजा, घर को बढ़िया साफ साफ करने में लग गए। संत आ रहे हैं घर में, होता है ना कि हमारे घर संत आएंगे तो बढ़िया घर को साफ करेंगे, जमाएंगे, कहीं गंदगी ना हो, कहीं उनकी दृष्टि ऐसी जगह ना पड़े, खूब साफ सफाई। तो माँ पार्वती ने एक दिमाग लगाया, गंगा तो बड़ी भोली थी। माँ पार्वती जी अपनी एक सहेली से बात कर रही है गंगा को सुनाते हुए, कहा गंगा तुम जानती हो ये जो ऋषि आ रहे हैं वो कैसे हैं? सहेली ने कहा कैसे हैं? कहा कि मन में जो है ना वो देने वाले हैं, जो मन में जो इच्छा रखोगे वही प्रदान करते हैं, जो कह दोगे जो मांग लोगे वही मिलेगा। गंगा मैया ने सोचा ये समय बढ़िया है, शिव जी को ही मांग लेंगे पति के रूप में। माँ पार्वती ने कहा अपनी सहेली से, देखो सुन रही है गंगा, माँ पार्वती कहती है लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? जब दुर्वासा ऋषि आए ना तो जो उनके ऊपर जल छिड़के, क्योंकि जल छिड़काने से बड़े खुश हो जाते हैं, जो उनके ऊपर जल छिड़कता हो उनको देख करके बड़े खुश हो जाते हैं। अब तो माँ गंगा ने विचार किया हम ही जल छिड़के। अब दुर्वासा ऋषि आए, आगमन हुआ और जैसे ही घर में प्रवेश किया दुर्वासा ऋषि ने, गंगा जी ने जल छिड़कना शुरू किया। एक लोटा पानी पकड़ा फेंका, फिर पानी पकड़ा फेंका। दुर्वासा जी ने कहा पागल तो नहीं हो गई तू, क्या कर रही है, ये क्या व्यवहार है तुम्हारा, अपने नाखून का जल मेरे ऊपर छिड़क रही है, अपवित्र कर दिया मुझे तुमने, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा जो शरीर स्त्री का है वह जल का स्वरूप हो जाएगा। और यही गंगा जल हो गई, भैया पानी बन गई, फिर से स्त्री का रूप तो मिला उनको लेकिन शापित हो गई। लेकिन भगवान शिव जी को बड़ा बुरा लगा। भगवान शिव जी ने कहा कि पार्वती तुमने ठीक नहीं किया, तुमने उचित नहीं किया, ये कार्य जो तुम कर रहे हो ना ये सर्वथा अनुचित है, तुमने ये कार्य उचित नहीं किया, जाओ पार्वती हम तुम्हें श्राप देते हैं, आपसे और हमारे परोक्ष रूप से एक भी संतान नहीं होंगे। लेकिन गंगा जी से 11 संतान जन्म लेंगे, हमसे और गंगा जी से 11 संतान जन्म लेंगे, जिनमें 5 पुत्र और 6 पुत्रियां होंगी।
शिव महापुराण कहता है भैया, जिनमें छह पुत्र और पांच पुत्रियां गंगा जी ने जन्म भगवान शिव के द्वारा। अब आप कहेंगे महाराज ये कैसे हुआ, तो आप सबसे निवेदन कर दे, एक समय की बात है, माँ पार्वती जी का विवाह जब हुआ तो भगवान शिव जी का नियम था, प्रतिदिन का नियम था, शाम के समय संध्या जैसे होती थी ना तो भगवान शिव माँ पार्वती को अपने साथ बाहर ले जाते थे घुमाने के लिए, संध्या का समय बैल पर बिठाते थे और बैल पर बिठा करके ले जाते थे घुमाने के लिए, ये नित्य का नियम था। जैसे 5:30 बजता था, पार्वती हाँ स्वामी बैठो चलो, बगल में मैया रहती थी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी कहती है देख गए वो तुम्हें घर से फुर्सत नहीं मिलता, काम 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 काम, शिव जी इतने व्यस्त रहते फिर भी देखो अपनी पत्नी को घुमाने के लिए जा रहे। भगवान विष्णु ने कहा चल तू भी तैयार हो जा, 6 बजे रात चल तू भी तैयार हो लक्ष्मी। लक्ष्मी ने कहा हम आते हैं, और जब तैयार होने के लिए मेरी मैया लक्ष्मी गई नहीं, 7:30 बजे आई। भगवान ने कहा समय हो गया लक्ष्मी, सब चौपाटी बंद हो गई, अब कहीं नहीं, अब कहां घूमोगी, रात हो गया कल देखते। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी पार्वती कैसे तैयार होती है बताएं, भगवान शिव कहते नहीं उसी समय कहते हैं चलो, और वो वैसे ही आ जाती है चलो सब। नहीं तो भैया माताओं को तो खूब ट्रेन ना लेट होने के बाद मेकअप करता है। हमारे कवि हुए छत्तीसगढ़ के सुरेंद्र दुबे जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रकाश पुंज कहे जाते हैं सुरेंद्र दुबे जी, वो कहते थे ट्रेन ना लेट होने के बाद मेकअप करता है, और स्त्रियां मेकअप करने के बाद लेट करते हैं, वो कहते थे। एक बात बताऊं मैं आपको, आधा जो जीवन है ना हमारा, केवल माताओं की बात नहीं कर रहा भैया, आधा जो हमारा जो जीवन है ना केवल श्रृंगार में गुजर जाता है, समय निकल जाता है हमारा, समय निकल जाता है, ऐसे ही समय निकलता है हमारा। मैं तो सदैव कहूं, आप लोग भी यह कह सकते हैं कि कृष्णा नगर में भी एक ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, स्त्रियां सजती है अपने पति के लिए, लेकिन यहां भी सजाया जाता है, वहां तन को सजाया जाता है, यहां मन को सजाया जाता है, और यहां मन सजता है, और मन सजता है ना तो परमेश्वर आपको स्वीकार कर लेते हैं, मेरे शिव जी आपको स्वीकार कर लेते हैं, मन को सजाना मेरे भाई, और मेरी मां पार्वती ने मन को सजाया। एक दिन भगवान शिव जी बिना बताए ही चले गए, शाम का समय था, गर्मी का दिन था, बिना बताए ही चले गए, तो माँ पार्वती ने विचार किया आज भगवान हमें लेकर के नहीं गए, तो माँ पार्वती जी थोड़ी देर के बाद चले गए भगवान को ढूंढने। तो भगवान शिव जी को जब ढूंढने के लिए पार्वती गई, तो भगवान शिव जी कर क्या रहे हैं, 5 कन्याओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे सरोवर में, 5 कन्याओं के साथ जल क्रीड़ा, और जब देखा माँ उमा ने एक एक दूसरे पर जल डाल रहे हैं, माँ उमा ने दूर से आवाज लगाया भोलेनाथ, भगवान शिव ने पलट करके देखा क्या हुआ, इतनी गर्म क्यों हो रही है, कौन है ये, इन 5ों के साथ आप जल क्रीड़ा कर रही है, कौन है ये स्त्रियां, कौन है ये कन्याएं, कहा पार्वती ये और कोई नहीं, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी बेटियां हैं, और ये जो मेरी बेटियां है ना इसी गंगा जी से उत्पन्न हुई है। याद करो पार्वती, एक बार आप और हम सब चौपड़ खेल रहे थे मिलकर के,
जब पसीना मुझे निकला तो मुझे मन में हुआ तुम स्नान कर लो, और जब मैं स्नान करने के लिए आया तो मैं शरीर से 5 बूंद गिरे, मेरे शरीर से 5 बूंद गिरे, और यही 5 बूंद अलग अलग जगह गिरी है, और यही ने कन्या का रूप धारण कर लिया। हम लोग जो नाग पंचमी के दिन जो 5 सर्प बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं, एक डिब्बा बनाएंगे फिर 5, ये वही है भगवान शिव जी की पुत्री, गंगा जी की पुत्री, माँ पार्वती के नेत्र सजल हो गए। माँ पार्वती ने कहा, धन्य है भोलेनाथ, धन्य है आपके लीला, आपने इतनी कृपा की, मेरी संतान नहीं लेकिन मेरी बहन की संतान है, धन्य है गंगा, धन्य है। तो बहन एक बार मेरे सन्मुख तो आ, और उसी क्षण गंगा मैया प्रकट हुई, बोले गंगा मैया की जय। गंगा मैया से कहा, धन्य है बहन, जाओ आज हम आपको अपने पति का अधिकार प्रदान करते हैं, अभी हमारे नहीं आपके भी पति हैं। अब जब भगवान शिव जी ने सुना ये पत्नी हो गई, गंगा जी का चल ऊपर बैठ, सीधे सर पर बिठाए। अब बताओ माँ पार्वती जी देखती रही रही हमें बगल में और इनको सर में, हमने अधिकार दे करके कुछ गलत तो नहीं किया। देखो भैया, भगवान शिव जी के सर में गंगा है, और ये सर की गंगा क्या है, ये भक्ति है।